बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा अपने पिता अजीत शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रचार करने भागलपुर पहुंची हैं। आपको बता दें कि उनके पिता वर्तमान विधायक के साथ साथ इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इस मौके पर नेहा शर्मा ने जनता से अपने पिता के पक्ष में वोट देने की अपील की। भागलपुर में लोजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा पर पैसों के बल पर चिराग पासवान की जनसभा में भीड़ जुटाने का आरोप लगा है, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में गुंजन झा को रंगे हाथ दबोचा है। वहीं इस मामले में CTSP सुशांत कुमार ने बताया कि आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। विधायक बनाने मात्र का चुनाव भागलपुर के लिए नहीं, मैं 51वां वार्ड आज पहली दफा घूमने नहीं जा रहा हूँ प्रचार के नाम पर। मैं ऐसे भी 365 दिन हर वार्ड में घूमता हूँ और जनसंपर्क के दौरान मैं पूरी मजबूती के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि चाहे महिला हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे नौजवान साथी हो, हर लोगों का साथ और समर्थन भरपूर हमारे साथ है। ये टीम को सूचना मिली थी बोरगंज इलाके में कहीं पे एक पार्टी कार्यकर्ता के द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए ना पैसे वो बांट रहे थे। सूचना मिलते ही FST टीम गई, सत्यापन क्या सही पाया गया, प्राथमिकी दर्ज की गई लोगों का। एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी भागलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की सेवा में लगातार प्रयासरत है, ऐसे में लोगों को NDA सरकार का भरपूर समर्थन मिलेगा। हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त मिला कि नहीं मिला, हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? हर तक 40 किलो अनाज। अरे गरीब आदमी, ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी है, इसने 40 किलो अनाज पहुंचा दिया गरीब के घर। ये गरीब को भूलता नहीं है, जो मदद करता है गरीब उसको याद रखता है। और नरेंद्र मोदी ने 40 किलो अनाज हर गरीब के घर में पहुंचा दिया, अपने हाथ उठाकर बता दिया। मुंगेर में हालिया विवाद के बाद अब नए DM रचना पाटिल और SP मानवजीत सिंह ने कमाल संभाल ली है। दोनों अधिकारियों ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं छठ और दिवाली को लेकर लोगों से संयम बरतने की अपील की है। और मैं आप सभी के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगी कि अफवाहों से बचें और संयम पर। पूर्णिया में पश्चिम बंगाल के लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी ने NDA प्रत्याशी विजय खेमका के समर्थन में प्रेस वार्ता आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार लगातार विकास कर रहा है, इसलिए यहां के लोगों से यह अपील है कि एक बार फिर से राज्य में NDA की सरकार बनाने में मदद करें। जहानाबाद जिले के कडौरुआ पुल के नजदीक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें कि मिनी बस के अनियंत्रित होकर पलटने के कारण व्यक्ति की मौत हुई। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिला कि गाड़ी एक्सीडेंट कर गया कडौरुआ पुल के पास। तो गए तो देखे गाड़ी जो है उल्टी हुई है और उसका लाश जो है बगल में पड़ा हुआ है। कितने लोग घायल हुए हैं सर, कितनी की मौत है? लोग बता रहे थे, पब्लिक के द्वारा बताया गया है कि 10-15 की संख्या में लोग जख्मी है जिनको इलाज के लिए भेजा गया है।